नमस्कार, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके आसपास जो लोग हैं उनमें से कोई ऐसा हो सकता है जो एक 2500 साल पुरानी इंडियन सीक्रेट सोसाइटी का हिस्सा है। जी हां, एक ऐसी सोसाइटी जो करीब 260 बीसी में स्वयं सम्राट अशोका ने बनाई थी और जो आज भी उनके मेंबर्स द्वारा चलाई जा रही है। आज इंडिया नाउ एंड हाउ में मैं आपका होस्ट अंकित आपको सुनाऊंगा उस सीक्रेट सोसाइटी के बारे में जिनको आज हम कहते हैं अशोकाज 9 अननोन मैन, यानी अशोका के वो 9 अनजान व्यक्ति। अशोका की हर बड़ी हरकत ने उन्हें फेमस किया, पर एक काम उन्होंने किया कि वो फेमस ना हो सके। भारतवर्ष के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए मौर्यन सम्राट अशोका ने 9 लोगों की एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी। 260 से 255 बीसी के बीच कलिंग युद्ध के जीतने और एक बेहतर इंसान बनने के बाद अशोका को लगा कि देश के इतिहास, सभ्यता और हर फील्ड की अपार नॉलेज को बचाने के लिए और आगे की पीढ़ियों की मदद करने के लिए कुछ ठोस करना पड़ेगा। उन सब जानकारियों को बचाने वाले गुप्त ही रहेंगे, क्योंकि देश के दुश्मन उनको मार के वो ज्ञान की चीज़ें, वो खजाना देश से दूर कर देंगे। इसी सोच ने जन्म दिया शायद दुनिया के सबसे शक्तिशाली गुप्त संगठन को। उनके रहस्यमयी नवरत्न, जिनको आज कहा जाता है अशोकाज 9 अननोन मैन या अशोका के रहस्यमयी नवरत्न। हर रत्न एक अद्भुत दिमाग वाला व्यक्ति था जो एक स्पेशलाइजेशन की किताब, कलाकृतियां और आवश्यक सामान को संभालता था। अशोका ने सभी ज्ञान और उससे जुड़े सामान को 9 भागों में कुछ इस तरह बांटा था। पहला, प्रोपेगेंडा एंड साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, यानी दिमाग से खेलकर जीतना। उनके दादा चंद्रगुप्त और पिता बिंदुसार के गुरु चाणक्य की वही नीति थी, जिसमें आधे सच या भ्रम से एक वॉर या नेगेटिव सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सकता था। दूसरी थी फिजियोलॉजी, या शरीर के पूरे सिस्टम की जानकारी। कब कौन सी नस या जगह से सामने वाले की बॉडी पर हावी हुआ जा सकता है। तीसरी, माइक्रोबायोलॉजी या कीटाणुओं का ज्ञान। ये कहा जाता है कि जैसे हमारे तीर्थों की नदियों का या कुंड का पानी हमें कई बीमारियों से बचा लेता है, वैसे बाकी दुनिया की नदियां या पानी नहीं कर पाते। चौथी, कॉस्मोलॉजी यानी स्पेस की नॉलेज, शायद टाइम ट्रैवल की भी। पांचवी, कम्युनिकेशन, अंदर और बाहरी दोनों दुनिया से सही संपर्क करने का तरीका। छठी, ग्रेविटी। सातवीं, एल्केमी यानी मेटल्स की जानकारी। आठवीं, लाइट, सूर्य की रोशनी के सही और कई उपयोग करना। और नौवीं है सोशियोलॉजी, ऐसी सोसाइटी बनाए रखना जो सदियों तक सही तरह से चलती रहे। रूल्स क्लियर थे। वो नवरत्न अपने मरने से पहले किसी काबिल व्यक्ति को नियुक्त करेंगे जो आगे पीढ़ियों को ये धरोहर सौंपेगा। हर समय 9 लोग पूरे होने चाहिए उस परंपरा को आगे ले जाने के लिए। जब भी किसी की मौत हो जाए तो बाकी बचे लोग उस खाली जगह को किसी नए लायक आदमी या औरत से भरेंगे। हमें ये लगता है कि भारत के पार्टीशन के बाद भी अगर वो अभी भी हैं तो 9 के 9 इसी मॉडर्न भारत में शामिल हैं, मौजूद हैं, हम में से ही कोई एक है। वो सीक्रेट सोसाइटी कैसे कैसे देश के लिए काम कर रही है इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, पर हाँ, कभी भी आपको कोई एक सरप्राइजिंग सी डेवलपमेंट लगे जिससे आपको लगे कि भारत का कोई नुकसान कम हो रहा है या हमारा कोई अचानक से फ़ायदा हो रहा है जिसका शायद कोई जवाब नहीं है, तो हो सकता है उन्हीं में से कोई एक मेंबर अपना काम सही ढंग से कर रहा है। आज की इस बेहद अद्भुत कहानी में बस इतना ही। ऐसे ही एक और दिलचस्प कहानी हम आपके लिए हमारे अगले एपिसोड में बहुत जल्द आएंगे, तो थोड़े समय का ही इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।